आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। राहुल गांधी आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए बहन प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, जहां प्रियंका ने मोदी सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा, मोदी जी का मकसद आपको बेहतर जीवन देना, नई नौकरियां, बेहतर स्वास्थ्य या शिक्षा देना नहीं है, वे बस किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। प्रियंका के लिए वोट अपील करते हुए राहुल ने कहा कि मैं पहली बार अपनी बहन के लिए प्रचार करने आया हूँ, अब तक वही मेरे लिए प्रचार करती थी, मैं जब यहाँ सांसद रहा तो आपकी बहन बेटी या माँ नहीं बन सका, लेकिन अब मेरी बहन ये तीनों भूमिकाएं निभाएगी। राहुल शाम 4 बजे अरीकोडे में भी एक जनसभा करेंगे। इसके बाद प्रियंका गांधी कोरेम, वलाट, थरियोडे, कलपेट्टा में भी 3 मीटिंग करेंगी। प्रियंका गवायनाड से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। ये वही सीट है जिसे राहुल गांधी ने छोड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना था। वायनाड में प्रियंका का मुकाबला भाजपा की नव्या हरिदास और वामपंथी उम्मीदवार सत्यन मोकरी से है। प्रियंका ने 23 अक्टूबर को वायनाड सीट के लिए नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था, जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार पिता के लिए 1998 में कैंपेन किया था। तब से इन 35 साल के दौरान माँ और भाई के लिए वोट मांगे, अब पहली बार खुद के लिए समर्थन मांग रही हूँ। राहुल गांधी ने भी कहा था कि वायनाड देश का ऐसा क्षेत्र है जहाँ से 2 सांसद थे, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद, दोनों वायनाड के लिए काम करेंगे। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।